तस्वीरें सोनीपत सिंघू बॉर्डर की हैं, जहां सड़कें किसानों के ट्रैक्टरों से इस तरह से अटी हैं मानो कोई महाकुंभ का नजारा हो। जहां भी देखो सड़कों पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं, वो भी तिरंगे के साथ। ये भारत के वो किसान हैं जो पूरी दुनिया को मेहनत कर खिलाता है और उसका पेट भरता है। 26 जनवरी को लेकर किसान नेताओं के आह्वान पर किसान ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए ट्रैक्टरों पर तिरंगा लेकर प्रदेश के युवा पहुंच रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। वहीं किसान अब 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारियां कर रहे हैं। उसी के तहत सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में रोजाना ट्रैक्टरों की तादाद बढ़ रही है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब की बार ये 26 जनवरी देश के इतिहास में अलग होगी। इससे पहले 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की तस्वीर दुनिया ने नहीं देखी होगी। किसानों का कहना है कि वो अनुशासन और शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में जाकर ट्रैक्टर ऐड करेंगे। वहीं किसानों का कहना है कि 5000 वॉलंटियर वॉकी टॉकी के जरिए पूरी परेड पर निगरानी रखेंगे। 26 जनवरी को लेके हमारे जो यूथ की टीम है वो हर एक यूथ को अवेयर कर रही है और उसकी ड्यूटी निभाने के लिए एक तो हम मैसेज दे रहे हैं गांव में अपने को, जितने भी हमारे यूथ आ रहा है उसको अवेयर कर रहे हैं कि यहाँ जो आंदोलन में मार्च करना है, हमने परेड करनी है, उसमें बिल्कुल शांति से करना है। और एक हमारे जो यूथ की टीम है लगभग 500 करीब हमारे अपने लेवल की है, कुछ और साथी हमारे साथ आर्मी के जो एक्स सर्विसमैन हैं वो भी जुड़ रहे हैं, वो सभी इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं कि इस जो आंदोलन का परेड होगा उसको कैसे शांतिपूर्ण रखना है, उसकी हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ट्रैक्टर पे मार्च करेंगे तो ट्रैक्टर पे कितने लोग हो गए उसकी लिस्ट होगी, उसके अलावा कोई और ट्रैक्टर पे नहीं चढ़ेगा। और युवाओं को किस तरह की सुविधा, जो 500 वॉलंटियर काम करेंगे किस तरह की सुविधा उनको दी जाएगी? सुविधा वॉलंटियर को एक तो उनकी अलग से पहचान होगी, इसी तरह की किट होगी, उसके बाद हर एक वॉलंटियर के पास इस तरह का एक फास्ट एड का बैग होगा, क्योंकि हम मशीनरी पर जा रहे हैं, कोई भी किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है उसके लिए फास्ट एड की किट होगी, उसी टाइम उसका इलाज किया जा सके। तो एक हर एक वॉलंटियर के पास वॉकी टॉकी होगा कि कहीं भी हमें लगता है कोई गलत आंसर है या कोई भी दुर्घटना है तो उसका मैसेज सही तरीके के सभी के पास सही तरीके से पहुंच सके। तो इसी तरीके की हमारी वॉकी टॉकी भी दिया जाएगा? बिल्कुल। कितने वॉलंटियर काम करेंगे उस दिन? हजारों में करेंगे, अभी तो लगभग 1000+ की टीम तो बन चुकी है, अभी और लाखों का इकट्ठ होगा तो 1000 तो कम। ट्रैक्टर पर किस तरह से व्यवस्था की गई, कितने लोग ट्रैक्टर पर बैठेंगे? ट्रैक्टर पे 4 से 5 लोग ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा, वो भी अपने बिल्कुल नॉन है, जैसे एक गांव के आए हैं या जिसको कोई ड्राइवर वो जानता है, जो मालिक होगा ट्रैक्टर का वही उस पर चढ़ेगा, कोई तीसरा आंसर कोई भी अदर पर्सन उस पर नहीं चढ़ेगा। ट्रॉली साथ लेके जाएंगे बगैर ट्रॉली के? नहीं, ट्रॉली नहीं, ट्रॉली हमारी यहीं रहेगी, हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबल लोग यहीं रहेंगे, बाकी जो हमारा यूथ है या जो आगे जाना चाहते हैं वो आगे जाएंगे, होगा अकेला। किसानों का कहना है कि सरकार से 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए हम प्रशासन से परमिशन ले रहे हैं और अपील कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालना चाहते हैं। अगर प्रशासन जोर जबरदस्ती करता है तो इसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। किसान किसी का विरोध नहीं करेंगे और अनुशासन में रहकर 26 जनवरी का कार्यक्रम करेंगे। जिला कपूरथला तो आए हैं, 2 ट्राली लेके आए हैं जिसमें 13 ट्रैक्टर आए हैं, 13 ट्रैक्टरों में एक तो साड़ा तेल की बहुत बचत हो गई, दूजा प्रदूषण का बहुत फायदा हो गया, तीजा साड़ा टाइम की बहुत बचत हो गई, दूजा आदमी जोड़े सो ज़्यादा सानू लाने की जरूरत नहीं पी, वो ट्रालियों के बसों के द्वारा आ गया, हाले होर ट्राले जोड़े होर भी पिछले होर आ रहे हैं, बाकी ट्रालिया भी रात दियाँ आई हाँ, गड्डिया भी आई, बसा भी आई, मोटरसाइकिलों पर भी बंदे आए हैं जी, तो हाले साड़िया बीबिया नौजवान बच्चिया वो भी नौजवान बच्चे वो भी सारे आ रहे हैं, बाकी जरा ये कहें पंजाब नशेई हो गया वो सारा धब्बा इन्होंने ला दिता, इन्होंने गवर्नमेंट के मूँह तो बहुत बड़ा थप्पड़ लग गया, जोड़े कहें पंजाब सारा नशेई हो गया, वो बिल्कुल इन्होंने दिखा दिता भी नौजवान पंजाब के की नहीं कर सकते, वो जो भी कुछ कर सकते वो कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को हाले भी साड़ी अपील है भी हाले भी इन्होंने गल मान के कानून से रद्द कर देने चाहिए, नहीं तो इदो ही बहुत बड़ा आंदोलन जिन्ना मर्जी चल जाए, 6 महीने चले साल चले कोई परवाह नहीं है। भाजी जैसे 26 जनवरी की परेड है, परेड में शामिल होंगे, उसको लेकर और क्या क्या तैयारियाँ विशेष हो रखी है? तैयारियाँ उसके में अपना सभ्याचार दिखा लेंगे, पंजाब का सभ्याचार दिखा लेंगे, कोई शांतमय बिल्कुल शांतमय ढंग ना सारा होगा,
जे गवर्नमेंट कोई बिच रुकावट ना पाए तो पर उन्हें परमिशन देती चलो उन्हें धन्यवाद आ बाकी शांतमय सारा प्रोग्राम होगा कोई ये बच्चे कोई हुल्लड़बाजी नहीं होगी। दिल्ली में अगर किसान ट्रैक्टर रैली निकालते हैं तो ये देश के इतिहास में पहली बार होगा जब इतनी बड़ी तादाद में दुनिया एक साथ ट्रैक्टरों पर तिरंगा लहराते देखेगी। 26 जनवरी को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं और युवा किसानों की टीम अपना काम कर रही है। सबसे पहले युवाओं की टीम को पूरी गाइडलाइन दिखाई जा रही है। हजारों की संख्या में टीम तैयार कर ली गई है जो टीम ट्रैक्टर रेड पर पूरी तरह निगरानी रखेगी। ट्रैक्टरों का आना शुरू हो चुका है, परेड में ट्रॉली नहीं जाएंगी ये तो तय हो चुका है। आज देश का किसान पूरी दुनिया को आपसी भाईचारे से जोड़ने का संदेश दे रहा है और अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर मानो कह रहा है कि वो कोई आतंकवादी नहीं बल्कि इसी देश के किसान हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।